मम्मी मम्मी आंखें खोलिए अम्मी, आंखें खोलिए अम्मी, अम्मी उठिए, अम्मी उठिए, अम्मी उठिए। अलादीन क्या हुआ? वो ख्वाब इतना खौफनाक था। आप ठीक तो हैं? तुम्हारी वजह से हम बिल्कुल ठीक हैं। शुक्रिया, तुमने साबित कर दिया कि तुम खुदा के नेक बंदे हो और हमने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत था। अपनी गलती को सुधारने के लिए एक पहला कदम उठा रहे हैं और जब कोई नई शुरुआत करते हैं तो मीठा खाया जाता है। दही चीनी, तुम हमें अपनी अम्मी मानते हो ना? पता नहीं हमने अम्मी होने का फर्ज पूरा किया है या नहीं, पर तुमने कल बेटे होने का फर्ज पूरा किया है और इस माँ को अपने बेटे पर नाज है। एक माँ अपने बेटे से कुछ मांगे तो बेटा देगा? बदले में बेटे को अम्मी को अम्मी कहने की इजाजत मिलेगी? हाँ। फिर तो आपके लिए जान भी हाजिर है, बताइए क्या करना होगा? सच सुनना होगा। किसका सच? सुल्तान सफर का सच। तुम्हें पता है मैं तुम्हें इस तालीम घर में रखकर तुम्हें तालीम नहीं देना चाहती थी, क्योंकि सफर तुम्हें एक खतरनाक मुहिम पर भेजना चाहता है, काला चिराग लाने की मुहिम। अलादीन, तुम सबसे अलग हो, सबसे काबिल, सब कुछ कर लेते हो। अगर तुम काला चिराग लेने गए तो उसे भी लेकर ही लौटना, की ये बात हम भी जानते हैं और सफर, लेकिन अगर काला चिराग आ गया तो दुनिया से अच्छाई खत्म हो जाएगी और इसलिए हम तुम्हें रोक रहे हैं। अगर तुमने दिल से एक पल के लिए भी हमें अम्मी माना है तो तुम इस मुहिम पर नहीं जाओगे। आप क्या कर रही हैं? झोली फैलाकर मदद मांग रही हूं। मना मत करना, तुम्हें वादा करना होगा। वादा करो तुम काला चिराग लेने नहीं जाओगे, इस मुल्क को, इस कायनात को बचाने में हमारी मदद करोगे। आप उठिए, उठिए, वादा करो। देखिए, आप हमारी अम्मी हैं। हमारा मतलब अम्मी जैसी हैं और अम्मी हुक्म देती हैं, दरख्वास्त नहीं करती। मगर मगर क्या अलादीन? क्या बोले अम्मी? इस सफर को इनकार किया तो आपकी याददाश्त वापस लाना बहुत मुश्किल, शायद नामुमकिन हो जाए। और आपको इनकार करने से ज्यादा मुश्किल काम तो शायद कोई है ही नहीं। अलादीन, हम सुल्तान सफर को मना नहीं कर पाएंगे। हमने अभी तुम्हें खुदा का नेक बंदा कहा है और तुम उसी की बनाई दुनिया को खत्म करने का जरिया लाने की बात कर रहे हो। अगर सुल्तान सफर को
आपको लगता है कि काला चिराग लाना जरूरी है और उन्हें सही लगता है तो उनके साथ। देखिए हम शहजादे हैं और बचपन से हमें सिखाया गया है कि सुल्तान से ऊपर कुछ नहीं। हमारी बात भी नहीं, शायद हमने तुम्हें समझने में गलती की है। हमें माफ कर दीजिए पर इसे आप हमारी बदतमीजी मत समझिए, मजबूरी समझिए। जो इतना मजबूर है को हमारा बेटा तो नहीं हो सकता। पता नहीं हमने क्या सोचकर तुमसे मदद मांगी। जान मांग लेती अम्मी एक पल में दे देते, पर जो आप मांग रही हैं वो नहीं दे सकते। अब मैं इसे कैसे रोकूंगी? लड़का ऐसा क्यों कर रहा है? लेकिन हम आपसे एक अनकहा वादा करते हैं कि हम इस कायनात शायद मुल्क को कुछ नहीं होने देंगे, और शहजादे ऐसे ही होते हैं। जाके हम जिन्हें को आजाद कर लेते हैं। ज्यादा देर चोरी चकारी किए बिना तुमसे रहा नहीं जाता ना। आका! हमारा चिराग चुरा कर हमारे भाई को हमसे दूर करना चाहती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि मुझे कहाँ ये रिश्ते भरोसा इन सब लफ्जों के मतलब पता, मुझे तो इन सब से चिढ़ है ना। आखिर तुम सच मान गई? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे और तुम्हारे जिन के बीच आने का। बीच में आने का शौक हो या ना हो, इस जिन के आका बनने का तो शौक जरूर है ना। और तुम जानती थी कि जिन्हों चिराग में और हमारी गैर हाजिरी में तुम चिराग चुरा कर आका बन जाती, लेकिन हम तुम्हें कामयाब नहीं होने देंगे। चुप, बिल्कुल चुप। मुझे नहीं पता था कि जिन्हों इसके अंदर है। और कान खोल कर सुन लो, तुम दोनों के बीच आना तो दूर, मुझे तो तुम्हारे पास भी भटकने से डर लग रहा है। तुम पहले निकम्मे शहजादे ही ठीक थे। चोरी ऊपर से सीना चोरी, सही खेल गए। अब हम जिन्हों को बुला लेते हैं। मैं वापस आ गया। आका, मुझे गोद में ले लीजिए। वो जरा मुश्किल है, मुश्किल, लेकिन हम इसे गले लगना चाहते हैं। आका, शुक्र है जिनू तुम ठीक हो। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आका, ये छीना झपटी क्यों? आका, आपको आपकी वो ख्वाबों वाली मोहतरमा मिली? ये जख्म कैसे? सब बताएंगे जिनू, सब बताएंगे, लेकिन अभी ना बहुत जरूरी काम करना है। क्या जिनू? तुम एक काम करो, तुम जिन्नात किताब घर जाओ और वहां पर अय्यार के बारे में जो कुछ भी है ना सब पता करो। जो हुक मेरे आका। अलादीन ने तो मना कर दिया है, अब हम क्या करेंगे? सफर करना नहीं कह सकती,
और अम्मी को नाराज भी नहीं देख सकते। हालांकि आतिशबाज बन चुका है, अब सफर उसे मुहिम पर भेजने में बिल्कुल देर नहीं करेगा। हम भी कुछ करना होगा। अम्मी के पास पहुंच के जल्दी बात करनी होगी। अरे कौन है? कौन है? छोड़ो हमें। सुल्तान का हुक्म है, वो तुम्हें याद कर रहे हैं, जल्दी चलो। सही खेल गए। यानी जफर, कोयल, खानदान, हमारा मतलब शिफान वगैरह वगैरह सबको ठीक कर रहा है। ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। नहीं, अभी चलना होगा, वो जल्दी में। ठीक है, चलो। हमें बेहद अफसोस है, हाँ बेहद अफसोस है हमें कि आप सबको कुछ वक्त के लिए पुत बनना पड़ा। तालीम घर के कायदे कानून को बरकरार रखने के लिए बहुत ही मामूली कीमत चुकाई है आप सब ने, और अब पैसा था भी लौट आया है। आप सबको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि हमारा आतिशबाज अलादीन है। बस इसी खुशी के लिए आज महल में बहुत बड़ा जश्न होगा, आप सभी आइएगा। जी जनाब। अलादीन तुम भी आना, आओगे ना? आएंगे कैसे नहीं कमीने, हम आएंगे, तभी तो तेरा यकीन जीत के अम्मी की याददाश्त वापस लाएंगे। सुल्तान के आतिशबाज हैं, उनकी बात कैसे डाल सकते हैं, हम जरूर आएंगे। बड़ा मजा आएगा। इससे पहले कि जफर हमारे मुहिम पर जाने की बात छेड़े, मैं पता लगाना है कि काला चिराग क्या बोला है। ये है काला चिराग। ये तो हम जानते हैं भाईजान कि ये काला चिराग है, लेकिन हम जानना ये चाहते हैं कि क्या इस काले चिराग का भी कोई जिन है? हाँ, देखोगी? बेशक। काला चिराग अपने साथ इस आफत को लेकर आएगा शहजादे। आफत नहीं, ताकत। ताकत कहो जहर, बस एक मर्तबा हमारे हाथों ये काली ताकत पड़ जाए तो हम इस
پوری کائنات کو پلٹ دیں گے. سب کچھ؟ جی سب کچھ. دنیا کا دستور, کائنات کے قاعدے, سب کچھ. اس دنیا کو اپنے رنگ میں رنگ لے, اس دنیا سے اچھائی کا نام و نشان مٹا دے گا. بہت خوب بھائی جان, بہت خوب. جس جن کا عکس ہی ایسا ہو, اس کی حقیقت تو اور بھی دمدار ہوگی. اب تو اور بھی بے صبری سے انتظار رہے گا ہمیں اس جن کا. تمہارا انتظار تو نیا نیا ہے, لیکن ہمارا انتظار برسوں پرانا. اب ہمارے اس برسوں پرانے انتظار کو نیا الادین پورا کرے گا. ختم جائے گا ہو سب, جائے گا ختم سب ہو. ہمارا مطلب ہے کہ سب ختم ہو جائے گا. کالے جن کے آنے سے نیکی, سچ, اچھائی سب ختم ہو جائے گی. اس لیے تو امی ہمیں ظفر کے ساتھ جانے سے روک رہی تھی. ہم ان کا حکم مانیں گے اور اپنے طریقے سے. ہم نے جنوں کو بھی جنات کی کتاب بھر بھیجا عیار کے بارے میں سب کچھ پتا کرنے کے لیے. ابھی جلدی ہی آتا ہوں. ہمیں تم پر پورا یقین ہے الادین. آج کے اس جشن میں آپ سبھی کا استقبال ہے. آپ سبھی کو شکریہ کہنا ہے تو انہیں کہیے ہمارے آتش باز کو شکریہ کہیے. قسم خدا کی آج کے یہ چاند یہی ہیں. چلیے جائیے, کھائیے, ناچیے, خوشیاں منائیے. جائیے جائیے جائیے. الادین یہ سب کیا ہے سلطان؟ اتنے دنوں سے تم روزانہ کوئی نہ کوئی امتحان دیتے آ رہے ہو, تو ہم نے سوچا کیوں نہ آج ایک کھیل کھیلا جائے. ویسے نشانہ وہاں لگانا ہے. کیا ہے؟ بغداد کی پاک مٹی. آپ نے کہا ہے تو ہم کریں گے, لیکن ہم آپ کو آگاہ کر دینا چاہتے ہیں ہمارا نشانہ کبھی چوکتا نہیں ہے.
वही तो हम चाहते हैं कि आज तुम्हारा निशाना चूके ही नहीं, अपने आतिशबाज से हारने का मजा कुछ और ही होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.